हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हैप्पी दशहरा ऑल ऑफ यू। तो हम जा रहे हैं दशहरा मेला देखने। अभी दिन के 2:30 बजे हुए हैं और अभी तो शायद रावण अच्छी तरह बना भी नहीं होगा, पर मेला चल रहा है। मेला देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं और उसके बाद हम आएंगे रात को रावण दहन में। तो मेरे पूरे वीडियो में बने रहिए, मैं इसी वीडियो में रावण दहन वाला वीडियो भी शेयर करूँगी। तो पहुँच चुके हैं, अभी तो हम लोग दिन में ही आए हैं। देखिए रावण महाराज तो भी पसरे हुए हैं, इनको तो खड़ा भी नहीं किया है। अभी दो रावण यहाँ पे बनते हैं सेक्टर 4 में, तो लेकिन अभी एक रावण खड़ा कर दिया, क्रेन वहीं पे खड़ी है। एक रावण अभी बिल्कुल लेटा हुआ है, शायद क्रेन इधर को आएगी अभी, और तो ये वाला रावण भी खड़ा होगा। ये अभी पूरा बना नहीं है, रावण अलग है, नीचे उसके जूते पड़े हुए हैं, वो देखिए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दिन में भी यहाँ पे बहुत भीड़ है। ये रावण क्रेन से खड़ा कर दिया है, देखिए चारों तरफ से ना एल्युमिनियम की तार से इसे बांधा जाता है, जिससे कि जब ये जले तो उसके बाद ये लोग ना धीरे धीरे तार से खींच खींच के थोड़ा थोड़ा करके गिराते हैं, क्योंकि अगर एकदम से ये जला हुआ रावण गिरेगा तो पब्लिक होती है बहुत सारी दहन के टाइम पर, तो भगदड़ मचने का डर लगता है। इसलिए ये चारों तरफ से एल्युमिनियम की तार लगाई जाती है, धीरे धीरे इसे छोड़ा जाता है ज़मीन पर। ये रावण अभी तैयार हो रहा है, इसके अंदर पटाखे वगैरह भरे जा रहे हैं, और देखिए अंकल इसके अंदर घास फूस भरेंगे जिससे कि ये धूं 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 करके जल्दी से जल जाए रात को। और अब चलते हैं आगे मार्केट की तरफ। ये हम निकल रहे हैं यहाँ पे कि मार्केट देख रहे हैं जो भी मेले में लगी हुई है। देखिए चरखी झूले वगैरह हैं, अभी मतलब दिन में इतनी भीड़ है यहाँ पे, हम लोग तो ऐसे ही आ गए मेला देखने के लिए। हम शाम को आएंगे हम लोग रावण दहन के लिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगी। बहुत भीड़ है दिन पे भी। ये ना मेले में सारी चीज़ें देख के अपने बचपन की याद आ जाती है। हम लोग भी मतलब मेले में जाते थे, ये सारी चीज़ें देखिए, निशाने लगाने वाली चीज़ें और बलून्स होते थे, शूट किया जाता था, ये इसमें छल्ले फेंके जाते थे, ये सारी चीज़ें दोबारा से याद आ रही हैं बचपन में जो हम करते थे। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे धनुष बाण तलवार और गदा वगैरह हैं। ये खास आकर्षण रहता है दशहरे मेले का, जो कि बच्चे लेकर के जाते हैं और हर बच्चे के पास धनुष बाण और गदा जरूर दिखाई देती है। अब यहाँ का रावण देखने के बाद हम जाते हैं सेक्टर 3, और ये पहुँच गए हम सेक्टर 3। और सेक्टर 3 का रावण देखिए, यहाँ पे एक ही रावण बनता है, यहाँ पे भी रामलीला होती है। मैंने अपने पहले वीडियो में यहाँ की रामलीला शेयर की थी, और देखिए ये रावण भी बन गया। लेकिन रावण दहन में शायद हम यहाँ ना आ पाएँ, क्योंकि वहीं से हम निकल नहीं पाते, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और अभी चलते हैं अब घर को, अब आएँगे रात को रावण दहन में। देखिए इस समय दिन में 3:30 हो रहा है, इस समय इतनी भीड़ हो रही है, पैदल चलने वाले, ऑटो से जाने वाले, सब इतनी भीड़ में अभी निकल गए। अभी रात को 9-10 बजे तक वहीं बैठे रहेंगे। अब रात के 7 बजे, शाम के 7 बजे हम लोग निकल चुके हैं रावण दहन के लिए। अब देखिए आप यहाँ की भीड़, ये पुलिया से ही भीड़ शुरू हो चुकी है शिवालिक नगर क्रॉस करते ही। अब आगे आगे देखते जाइए कितनी भीड़ है, भीड़ बढ़ती जा रही है। और आगे की तरफ को 4-व्हीलर के लिए पुलिस खड़ी रहती है, बिल्कुल वहाँ से 4-व्हीलर नहीं निकल सकते, और ऑटो रिक्शा वगैरह भी नहीं। मेरे पीछे भीड़ देखिए कितनी सारी भीड़ है, पीछे की साइड बहुत सारी भीड़ आई है। Thank you.
एक में से एक टपा लो। वहाँ बाइक ही बाइक है, पार्किंग का ये मेला होता है BHEL कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 4 के पास में। हम तो बिल्कुल साइड पे खड़े हैं क्योंकि इतनी भीड़ है, मुझे तो भीड़ से वैसे ही डर लगता है। मुझे लगता है अगर भागने दौड़ने लगे, भगदड़ मच गई तो हम कहाँ को भागेंगे। और वैसे मुझे वीडियो बनाना था तो बीच से तो मैं जा नहीं सकती थी, इसलिए मैं बिल्कुल साइड में बहुत ऊंची सी दीवार पे आके बैठ गई थी और यहाँ से मैंने सारा वीडियो शूट किया। ये ऊंट महाराज भी आए हैं ऊंट की सवारी के लिए, क्योंकि बाहर इतनी भीड़ है, इनको ना कम्युनिटी सेंटर के गेट के अंदर घुमाया जा रहा है इसी में सवारी बैठ के। और यहाँ पे रामायण के जो भी किरदार हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और बानर सेना, हनुमान जी, रावण, रावण के साथ जितने भी राक्षस सेना है वो सब यहाँ पे खड़े हैं। अभी पब्लिक इनका फोटो वोटो ले रही है। तो यहाँ पे जो जब ये लोग रावण दहन जब होगा तो राम लक्ष्मण जाएंगे पुतले के पास और वहाँ पे तीर चला के फिर रावण दहन होगा। शायद हमारे विधायक जी आने वाले हैं, उसके बाद ये सब कुछ होगा। देखिए रामायण के सारे किरदार, रामलीला के राम लक्ष्मण और हनुमान जी। जय श्री राम। भीड़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पता नहीं इतनी पब्लिक कहाँ से आ रही है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फील्ड भर चुका है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। देखिए पूरा इस तरफ से इस तरफ तक पूरा भरा हुआ है और खचा खच भरा हुआ है, बिल्कुल भी जगह नहीं है नीचे। हेलो, मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी पीछे रहिएगा। रावण में आग लगने जा रही है, उसमें बहुत खतरनाक कम लगे हुए हैं। अब आप लोग जितना आगे आ सकते हो आगे का मतलब जीतेगा, क्योंकि रावण जीते बहुत तेज है। तो फाइनली रावण में आग लग चुकी है। देखिए अभी इसके अंदर जितने भी पटाखे पटाखे भरे हैं ना वो सब फटेंगे और इसके ठीक 10 मिनट बाद दूसरा वाला रावण भी जल जाएगा। ये जल चुका है धूम धूम करके रावण। जय श्री राम। और अब दूसरे वाले रावण में भी आग लगने वाली है। ये देखिए लग चुकी है दूसरे रावण में भी आग।
रावण दहन के बाद मेला ख़त्म और सब चल दिए हैं अब अपने अपने घरों की ओर। हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे, थोड़ा सा भीड़ छंट जाए। और यहाँ पे ना एक रिवाज है, जला हुआ रावण जो होता है उसकी, मतलब जो रावण के पुतले की जो डंडियाँ होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं, यहाँ पर के लोग उसे लेके जाते हैं। पहले तो यहाँ पे उसमें आग सेकते हैं ये लोग, फिर लकड़ी, जली हुई लकड़ी या उसमें से एक दो लकड़ियाँ छांट करके अपने घर की ओर लेके जाते हैं। पता नहीं क्यों लेके जाते हैं, मैंने एक आदों से पूछा तो उन्होंने बताया कि गर्मी के बाद ये सर्दी का सीज़न आ रहा है तो घर के लिए लेके जाते हैं। और ये हमारे राम, लक्ष्मण, सीता जी, ये रावण दहन के बाद ये लोग भी चल पड़े हैं अपने पंडाल की ओर। और देखिए यहाँ पे रावण दहन के बाद रावण के पुतले से कैसे निकाल रहे हैं लकड़ियाँ सब लोग, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ, छोटी छोटी सब लोग लेके जाते हैं अपने घर की तरफ को। अब चलते हैं राम दरबार की ओर। Yeah.